6 से चालू हुआ था ये। उसके पहले मुझे हमेशा, मैं वो स्टूडेंट रहा था जो हमेशा कहता कि मुझे ना थर्ड प्राइज, थर्ड से जस्ट मिस कर गया फोर्थ मिला, मतलब वो झूठ बोलता था, ऐसा कोई प्राइज मिलता नहीं था। उसके बाद फिर 6 से मिलने लगे, टीचर्स ने विश्वास जताया, बच्चों से कंपटीशन हुआ, और फिर धीमे धीमे ये सिलसिले शुरू हो गए। सबसे बड़ा बदलाव ये था, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड ऑफ द ईयर 2009 एंड 10, स्टैंडर्ड 5th to 8th 7th, सॉरी, प्रोफिशिएंसी इन एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड अटेंडेंस। हमारा 7th तक ही था तब स्कूल, क्योंकि हमारा जो ईस्ट सेक्शन बना था तो इसलिए 5th to 7th ही था, बाकी मॉर्निंग बैच अलग था। सो ऐसा एक्टिव स्टूडेंट, फिर ये स्पोर्ट्स का था, रिले का, फिर हाई जंप, आप देख सकते हैं सब फर्स्ट है, फिर ये भी रिले फर्स्ट, ये कौन सा, डिस्क स्किट फर्स्ट, ये पिरामिड कंपटीशन था यंग स्टार ट्रस्ट का, फिर ये था रनिंग फर्स्ट, शॉट पुट फर्स्ट, डिस्कस थ्रो फर्स्ट, हाई जंप फर्स्ट, लॉन्ग जंप फर्स्ट, लंगड़ी फर्स्ट, फिर ये मराठी का एग्जामिनेशन था ये, जिसमें मैं प्रथम श्रेणी पे पास हुआ था, फिर हाई जंप फर्स्ट, लॉन्ग जंप फर्स्ट, शॉट पुट फर्स्ट, डिस्कस थ्रो फर्स्ट, हाई जंप फिर से फर्स्ट, लॉन्ग जंप फर्स्ट, शॉट पुट फर्स्ट, फिर ऐसे करके 6th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड तक। 9th में नहीं जा पाया था, दादाजी का जो देहांत हुआ था तो उसकी वजह से वहाँ ठहरना पड़ गया था टकलू होने के लिए। तो 8th तक आप समझ लीजिए, ये 6th to 8th, 6th 7th 8th, 3 साल का है ये सारा। फिर ये था मैथ्स का, पहली बार फर्स्ट क्लास आया था, दूसरी बार सेकंड क्लास, और जब मैं 9th में पहुंचा था तो मैं, मेरा मैथ्स बहुत गंदा हो गया था। और ये सब मेरे जो जीते हैं सारे, ये उस दौरान के हैं, और ये सब तो अच्छे फाइल में बढ़िया सजा के रखे हैं क्योंकि ये सारे फर्स्ट प्राइज वाले थे। अब ये भी देख लीजिए, जहां मुझे सेकंड थर्ड या ऐसे कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे ये लॉन्ग जंप में सेकंड आ गया था और मराठी में तृतीय श्रेणी, ये कॉलेज के जैम सेशन में सेकंड प्राइज मिला था, सिंगिंग कंपटीशन में थर्ड प्राइज मिला था, कॉलेज का है ये, फिर ये सेकंड प्राइज मिला था खो खो टूर्नामेंट में, रिले में सेकंड प्राइज मिला था, स्नेहा दीदी लिखी थी ये सब, स्नेहा दीदी मतलब स्नेहा टीचर, वो हमारी टीचर भी थी, हमारी रिश्तेदार भी थी, फिर ये सेकंड प्राइज मिला था रनिंग में, थर्ड, अरे तो फर्स्ट हुआ दिखाएं तो इतना सारा है, ये सब जो बचा हुआ है, और ये थर्ड था रनिंग में, सिर्फ इतना जोन बा ई सेकेंड थर्ड रहा, और बाकी इतना पूरा सब फर्स्ट आए। हाँ, और मैं मेडल हम देख लेना, तो ये दो जो है ये ब्रॉन्ज है और एक सिल्वर है, बाकी सब गोल्ड है, सब पहले पहले ही मिलता था अक्सर। अब आखिरी चीज ये है, कुछ मेमोरीज बचपन की, जिसमें फोटोज रखी हैं सारी। मैं इसको शुरू करता हूँ यहाँ से, ये देखिए, मैं 7th स्टैंडर्ड में था, एनिमल स्किट देखिए, ये हूँ मैं, और रिपोर्टर बना था शायद। नियति को कहीं उस वक्त ही मुझे अंदाज़ा दे देना था, या फिर पता नहीं, पर देखिए यही था 7th स्टैंडर्ड। देखिए डेट लिखा है मैंने, हर चीज़ लिखा है, स्किट कंपटीशन, ये पहली दफ़ा है जब मुझे कोई अवार्ड दिया गया था, ये था मेरा स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। देखो पैर पे चोट लगी थी उसी वक्त, याद है बुआ, ये है पिरामिड, ये रहा मैं, दिखा ये देखो, हाँ तो ये रहा था हमारा, बहुत टफ कंपटीशन था इसमें, ये लोगों ने मुझे चैलेंज किया था, इसमें से ये लड़का आईसीएसई सेक्शन से आया था, और ये कंपटीशन जो हुआ था ना, इसका मैंने विशेष तौर पर फोटो लिया है,
क्योंकि ये लोगों ने मुझे अच्छी खासी चुनौती दी थी, बोलते अब तेरे समय खत्म हो गया है, अब इस बार देखो हराएंगे। मैंने बोला कल तुम लोग भी आना और थोड़ा दूध दूध ज्यादा भी खाना हरा के दिखाना मुझे। और मैं हराया था उन लोगों को, मिला था प्राइस, तो मैं ये वाला फोटो जरूर लिया क्योंकि अच्छी खासी कहानी है। क्योंकि कोई नहीं मान रहा था, सबको लग रहा था कि मैं हार जाऊंगा, पर अपना समय खत्म नहीं हुआ था। ये देखो बुआ, याद है इसके, ये ना बगल में एक लड़की का भी फोटो था, अंकिता सुवर्णा, अभी मेरी दोस्त है, अच्छी दोस्त है वो, पर बचपन में बड़ी चिढ़ आती थी मुझे उसके ऊपर, काट के फेंक दिया उसका फोटो दूसरी कक्षा का है ये इसका डायलॉग मुझे आज तक याद है, बताऊँ आपको डायलॉग क्या था? इट वॉज अ स्टोन एज मैन हु ऑल्सो यूज एनिमल स्किन फॉर क्लोथिंग। इट वॉज अ पॉटर हु फर्स्ट यूज द व्हील, सॉलिड व्हील एंड स्पोक व्हील्स वर ऑल्सो यूज। ये मेरा डायलॉग था, आज तक याद है। फिर ये था हमारा फर्स्ट प्राइज, ये देखिए, ये था मैं टीम कैप्टन और हमारा लगने टूर्नामेंट हमने इस तरह जीता था, स्टैंडर्ड 7th। कितनी खुशी देखिए बच्चों के अंदर, टीचर्स को देखिए, अजब गजब, देख रहे हो बीच 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 कैप्टन, और स्कूल का कैप्टन भी था मैं साथ में। ये देखिए कितना गजब लम्हा होता है सोचिए, ऐसे मेडल पहनाया जाता है। मैं कोशिश करता था कि घर वाले थोड़े चले, लेकिन पता नहीं ये था साइंस फेयर, ये देखिए, ये वाली फोटो जो है पेपर में आई थी। हाँ ये बढ़िया फोटो थी, एग्जीबिशन था हमारा, काफी लोग आए थे, डंबल्स एक्सरसाइज। ये देखिए ये हम लोग परफॉर्म करते थे 26 जनवरी के वक्त, 26 जनवरी 15 अगस्त के वक्त, ऐसा दिखाए कौन सा टीचर है? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा थोड़ा रुक जा थोड़ा रुक जा थोड़ा रुक जा, ए हे वो रुक जाओ, ये कौन सा टीचर है? ये को टीचर है, रुक जा, ये तो मेरे जैसा टीचर लग रहा है। ये भी मैं समझ लिया, सेकंड बार प्राइज मिला था जब एक्टिव स्टूडेंट का था, देखो यही वाला होगा, नहीं दूसरा टूट गया, टूट के गायब हो गए मेरे काफी सारे ट्रॉफीज वैसे। फिर ये देखिए इसमें ये रहा मैं, यहाँ ऊपर दिखा, को दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये बिस्किट था। व्हाट्स हैपनिंग गाइस, किधर बिस्किट? ये देखो ये लोग, बाकी लोग कोई परी कोई इधर डॉक्टर, और मैं नॉर्मल इंसान, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था मैं। व्हाट्स हैपनिंग गाइस, क्या चल रहा है? तो ये था हमारा 7th स्टैंडर्ड का, ये 8th का है, ये लास्ट मोमेंट एंट्री थी मेरी। सब लोग आप देख सकते हैं, ये सारे हमारे प्यारे प्यारे दोस्त, और आखिर आखिर में मुझे देखिए, ये स्कूल का ही यूनिफॉर्म है, मुझे बोला कि रजत एक्टिंग करनी पड़ेगी, मैंने बोला चलो कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए भर भर के मेडल्स देख रहे हो, एक साथ 5-6 मेडल्स होते थे एक साल के अंदर, मतलब ये स्पोर्ट्स के वक्त। ये भी गजब कंपटीशन हुआ था, ये रनिंग वाला था, और ये लोग काफी धुरंधर लोग थे, लेकिन प्राइज आपके देवर को ही मिला था भौजी ये देखिए, ये वो जमाना था जब मैं क्लास में सबसे लंबा हुआ करता था, देख रही हो, ये हूं मैं मगिसा छोटू छोटू दिखा दिखा और ये है वो टीचर जिन्होंने मेरी जिंदगी बदली थी, इनका नाम लीना है, लीना मात्रे। जब पहले इनका पहली कक्षा में मेरी टीचर थी, उसके बाद जाकर ये 6वीं कक्षा में फिर से मेरी टीचर बनी, और इन्होंने मेरे पर विश्वास जताया, मुझे ना वो शॉर्टकट दिया, मुझे बोला कि फेंको, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, पर मैंने फेंका और अच्छा गया, और उसके बाद वो क्वालिफाइंग लाइन बना, उसके बाद फाइनल्स, और उसके बाद वो प्राइज, पहली प्राइज, बहुत, फिर तो सिलसिला शुरू हो गया। पर पहला इंसान जिसने विश्वास जताया था वो यही टीचर थी, तो समझ लो कि, और इस बार भी जब गया था, जब स्कूल में बुलाया गया था, तो यही टीचर ने फिर से कुछ और शब्द कहे जिसने और जिंदगी बदली है। फिर ये देखो ये सारे लोग जिनको प्राइजेस मिल रहे थे, देखो सबके पास कितने मेडल्स हैं, मेरे पास कितने मेडल्स हैं देखिए, अभी सबके मेडल्स देखो, मेरे मेडल्स देखो, कितने
इतना तारीफ कर ले रहा हूँ मैं खुद की आज। फिर ये देखिए, सब टिंगू टिंगू, सब टिंगू टिंगू, देखो मैं लंबू। उसके बाद ये है, ये हमारे लास्ट प्राइजेस में से एक है। ये कुछ कुछ था साइंस किट कंपटीशन, कुछ तो था जिससे मुझे प्राइज मिला था, क्योंकि नाइन्थ में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर नहीं पाया था और दसवीं में तो वैसे होता नहीं। रुक जा रुक जा रुक जा बुआ, रुक जा बुआ। तो ये था मेरा थोड़ा बहुत अचीवमेंट्स। और उसके बाद कई सालों बाद आखिरकार ये लेटर आया स्कूल से, टू मिस्टर रजत शुक्ला फ्रॉम नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल। और देखिए इसमें क्या था, देख लीजिए आप, लेटर पढ़ लीजिए। मुझे बुलाया गया था, वाओ कितना अच्छा, स्कूल में एक कंपटीशन को जज करने के लिए बुलाया गया था। बहुत ही स्प्लेंडिड एक्सपीरियंस था। इसके फोटोज आप मेरे सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, जहाँ की मैंने वो 10 ईयर्स चैलेंज दिखाया था, जहाँ एक दफ़ा मैं फोटोज में नजर आऊँगा जहाँ मैं प्राइज़ ले रहा हूँ, और दूसरी फोटो जहाँ मैं वही यूनिफॉर्म वाले बच्चों को प्राइज़ दे रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, मुझे फेमस करें। बाय। क्या था, एक वो लम्हा था जब मैं इस तरह से प्राइज लिया करता, इस तरह मुझे मेडल्स पहनाया किया करते चीफ गेस्ट, और फिर एक ऐसा समय आया जब मैं प्राइजेस देने लगा, मतलब मुझे बुलाया गया था एक दिन। सो ये रहा मेरा 10 ईयर्स चैलेंज। आपको कैसा लगा जरूर बताएं।